हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइट इन एनर्जी में आपका स्वागत है। तो आपका भाई सचिन यादव दिल से वेलकम करता है। तो गाइस, आज ही आपका डेट यानी 19 जनवरी 2024। तो गाइस, वन थिंग आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे रोहित ने एक नया चीज़, मतलब नया नहीं, हर पुराना ही चीज़ है, लेकिन पुराना चीज़ का नया चीज़ बनवाया है जो कि हमारे राइस मिल में लगेगा, जो कि एयर ब्लोअर यानी पंखी है वो। और मैं आपको दिखाऊँगा एक धान की भूसी से कैसे लोहे कटता है। ये लगातार गाइस प्रैक्टिस का असर है उस पर। मैं आपको पहले नया नया जो पंखी है उसे मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जहाँ लगता है फिर उसका रोल क्या है वो भी आपको हमारे सामने देखो गाइस। ये है चार पंखियाँ एक साइज की और चार लोहे की ब्लेड वाली पंखियाँ एक साइज की। रोहित, इसे फटाफट फैलाओ, इसकी साइजिंग ना पता हो, अरेंज करो ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से, ऐसे करो, इसको भी करो। और भाई देख लो कुछ इस तरीके से, ये बहुत हैवी है, एक प्लेट आपका बहुत हैवी है। और इसका काम क्या गाइस, ये ऐसे चलती है तो हवा मारती है तो बाहर की ओर आपकी धान की भूसियाँ फेंकती है। मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ ये किसको बाहर फेंकती है। और ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। ये बड़े साइज़ के, ये छोटे साइज़ के, जनरली ऊपर लगते हैं राइस मिल के, ये जनरली नीचे लगते हैं। तो गाइस ये देखो धान की भूसियाँ, ये देख रहे हो ना, इसमें कोई दम नहीं है। ऐसा मैं पकड़ो, ऐसा रगड़ दो, ये देखो गाइस इसमें कोई दम नहीं है ना। और यही इस चीज़ की इतना हिस्सा काट देती है, इसको पतला कर देती है। कब, जब हवा को घिसती है, कई बार प्रैक्टिस होने से यहाँ से कट जाता है तो यही ब्लेड आपकी घिस जाती है। घिसती क्यों है, इसको बस बाहर फेंकने फेंकने से ये घिस जाती है। अब मैं चलता हूँ वहाँ पे, दिखाता हूँ जहाँ पे ये लगता है और कैसे घिसती है। एक ये वाला ब्लेड ले लेता हूँ, एक ये वाला, चलता हूँ वहाँ पे। तो गाइस आओ देखते हैं कहाँ पे लगता है आपका। ये देखो ले लिया, एक आपका बड़ा एक छोटा। हमारे यहाँ कबूतर पहले दाना खाती हैं, कुछ कोई खाए चाहे ना खाए, चिड़ियों के लिए अच्छा सा व्यवस्था है। ये देखो कैमरा मैन इधर आइए, ये देखो गाइस घूम नहीं रहा है, घूमेगा। देखो यहाँ पे कटा है, रुको यहाँ पे दिखाओ इसके अंदर। देखो भाई ये कट गया है, देखो रुको कई एक का और दिखाता हूँ। देखो हाथ में भी लगने के चांसेस है। देखो ये गाइस दिखाओ, देखो गाइस यहाँ से ये कट गया है, मतलब इसकी लोहे ऊपर की मत्था कट गया है। यहाँ दिख नहीं रहा है कैमरे में, देखो गाइस यहाँ पे देखो कटर दिख रहा है ना गाइस। देखो यहाँ पे होल हो गया है, जनरली इसको ऐठेंगे तो टूट जाएगा। इसी के बदले यहाँ पे दिखा दो रोहित, बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ देखो गाइस ये लाइनिंग दिख रहे हो ना, कटा कटा, बस थोड़ा सा बीच में पकड़ा है, नहीं तो ये ऊपर की जो इसकी ये वाली मत्था है ये वाली निकलने वाली है, क्योंकि ये धान की भूसी को फेंकते फेंकते उतनी घिस गई है। सो जो प्रैक्टिस में इतना काम हो रहा है कि छोटी सी जिसमें हाथ में पकड़ने में कोई दम नहीं होती, लेकिन इस लोहे को काट देती इतनी मुँह लोहे को। ओ गाइस यही पर जनरली ये वाली दो नट खोल कर दिखा दो रोहित। हाँ ये और ये दो नट खोल कर लीड आपका यानी पंखी आउट हो जाएगा। फिर वहीं पर ये नया वाला वर्जन यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल होगा, देख रहे हो ना गाइस एकदम सेम डिप्टू उसी साइज़ का है। ये काम हमारे प्यारे भाई रोहित करेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से है। अब बारी है ऊपर की। तो गाइस यहाँ पे देखो ये ऊपर वाली भी है जो कि घिस गई, देखो यहाँ से दिख रहा है कटा है ना। अब उसी की जगह है आपका ये छोटा वाला ब्लेड, ऐसे ही इंस्टॉल होगा पंखी, जो कि कुछ इस तरीके से है यहीं पे ऐसे स्टार्ट। अब ये दोनों इसी तरीके से यहाँ पे, इसमें कितने हैं, चार इसमें हैं, चार और ऊपर वाले में चार इसमें, चार इसमें, चार इसमें। इन दोनों लगाने के बाद वो वाला बाहर निकल जाएगा और ये दोनों अंदर हो जाएंगे। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करवाते हैं, देखते हैं कब हमारे भाई साहब करते हैं। देखो रास्ते में भाई ब्रेकर, कितनी कठिन है वो वाला रास्ता। और भाई हम हैं ऐसे। तो गाइस लाइब्रेरी निकल गए हैं, अभी देखते हैं बजरंगबली की। भाई आज रास्ते आ गए, थोड़ा बहुत
गई घर। गाइस ये रहा अपना मैथ का नोट्स आज का, कुछ इस तरीके से है गाइस। तो गाइस अभी आपके बचे हैं रात के 10:40 हो रहे हैं, 10:39 अभी गाइस सोने जा रहे हैं हम। मैथ का अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब लगा रहे थे, क्योंकि एग्जाम आपका 27 जनवरी से है, उसी दिन है ही है नहीं उसी दिन है ही। तो गाइस सुबह जो मैंने आपको ब्लेड दिखाया था पंखिया, वो अभी रोहित शायद कसा नहीं है। मैं लाइब्रेरी गया था, लाइब्रेरी से घर आ गया, अभी अच्छे से डिनर वनर हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गाइस ओके बाय एंड बी हैप्पी।